ये देखो भाई, ये हमारा क्या बन रहा है, तैयारी हो रही है हमारे मैजिक चिकन टिक्का बनने की। अब कढ़ाई में क्या डालेगा इसके अंदर ये नहीं पता, तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, सीधा कढ़ाई के बाद चलते हैं। तो ये देखो भाई, ये एक ऐसा आइटम है जो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा चावला तंदूरी जंक्शन कड़कड़ुआ में। इसका नाम, इस डिश का नाम है गोल्डन चिकन। अब गोल्डन चिकन क्यों कहते हैं मेरे को नहीं पता, और ऐसे ही स्लो आंच पर ये पकता रहता है। कितना टाइम लगता है इसको पकने में भाई साहब? लुक एट दिस, मटन का कोई दीवाना है यहाँ पर इस दिल्ली में तो बताओ। मनवीत खाएगा? खाता नहीं। आकर आकर मनवीत तो खाता ही नहीं हो भाई, ये तो भूल ही गया था मैं। तो अगर आप जिम जाते हो, अगर आप डाइट कॉन्शियस हो या जिम जाते हो, तो डाइट फूड भी है इनके पास। तो लीजिए जनाब, आज हम कहाँ आए हैं? अरे यार, कड़कड़ुमा DDA मार्केट जोन सी है ना, वहाँ पर आए हैं। और क्या खाने वाले हैं, कहाँ खाने वाले हैं? चावला तंदूरी जंक्शन। अगर मैं बात करूँ ईस्ट दिल्ली की, तो नंबर वन और सबसे बड़ी इनकी किचन है यहाँ पे, जहाँ पर बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं। तो मेरे को कुछ आइटम पसंद आ गए हैं बहुत सारे, तो लेट्स ट्राई, देखते हैं पहले कि बनता कैसे है, कितने रुपये का और कैसा टेस्ट है। चलिए। ओए होए होए, ये देखो भाई, ये हमारा क्या बन रहा है, तैयारी हो रही है हमारे मैजिक चिकन टिक्का बनने की। जी हाँ, मैजिक चिकन टिक्का। अभी मैजिक क्यों होता है ये पता चलेगा जब इसका पूरा प्रोसेस पता चलेगा। तो ये पहले रोस्ट कर रहे हैं ये, उसके बाद ये जाएगा क्या कढ़ाई में। अब कढ़ाई में क्या डालेगा इसके अंदर ये नहीं पता, तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, सीधा कढ़ाई के बाद चलते हैं। तो ये देखो, ये बन रहा है हमारा मैजिक चिकन टिक्का, यहाँ का जो फेमस है काफ़ी। ये बटर डाल दिए, कौन सा बटर है भाई? ये अमूल का। हाँ जी। अरे मनवीत, डब्बे देख, अमूल के कौन से? नहीं, डब्बे मदर दरी के, क्रीम मदर दरी के। ये क्रीम डल गई है, बटर डाल चुका है, और ये इनका स्पेशल मैजिक मसाला है, जो कि जिसकी वजह से इस डिश का नाम है मैजिक चिकन टिक्का। अब तो मम्मी ये देखिए, डायरेक्ट तंदूर से सीख आ गई है। ओ भाई, ये तो मतलब कि मैंने बहुत जगह पे खाया है ऐसा चिकन टिक्का, बट ऐसी जो मिक्सिंग होती है ना, ये सिर्फ मतलब कि गैस से उतार के बाउल में करते हैं, बट ये गैस पे कर रहे हैं ताकि एकदम गर्म, एकदम गर्म रहे। ओ मेरी बात, मज़ेदार है ये हमारा। ये रेडी है? यस। क्या बात है, सब कर दो उसी के अंदर ही, उसी में टेस्ट करेंगे, लास्ट में सब एक साथ टेस्टिंग करके बताऊंगा आपको। ये लीजिए जनाब, मैजिक चिकन टिक्का इज रेडी नाउ। अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतनी गर्मी में आ नहीं सकते बाहर, कोई नहीं, घर बैठे बैठे स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो। 5 किलोमीटर की डिलीवरी भी है यहाँ से, कड़कड़ुमा वाला कि क्या कहते से, कड़कड़ुमा मेट्रो स्टेशन के सामने, कड़कड़ुमा मेट्रो स्टेशन के सामने ही है ये। जस्ट आप अगर यहाँ पे आके खाना चाहते हो तो 50 बंदों का ऊपर AC वाला कमरा भी रेडी है। तो देर किस बात की है, अपनी नेक्स्ट डिश पे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे है उसका नाम। तो ये देखो भाई, ये एक ऐसा आइटम है जो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा चावला तंदूरी जंक्शन कड़कड़ुमा में। इसका नाम, इस डिश का नाम है गोल्डन चिकन। अब गोल्डन चिकन क्यों कहते हैं मेरे को नहीं पता, बट ये भैया कह रहे हैं कि इसकी जो ग्रेवी है वो गोल्डन कलर की होगी। और ये देखो, ये हमारा बटर चिकन की ग्रेवी रेडी हो रही है, क्योंकि रात को ना टाइम नहीं होता इनके पास ऑर्डर लेने का, फट से सीधा ग्रेवी डाली और चिकन डाला और रेडी करा। वो देख भाई, गोल्डन चिकन है, फोकस रख बस। बटर चिकन की ग्रेवी मैं बना रहा हूँ, मैं ही बनाता हूँ यहाँ बटर चिकन, पता तेरे को? अरे बढ़िया लग रहा है। मनमीत तेज करेगा ऐसी, ये देख मनमीत, मनमीत ये देख, तेज करेगा सीधा, इसी से टेस्ट कर ले, इसी के अंदर ही बैठ जाते हैं। क्या बात है भाई, तो उबल के इतना उबल रहा, मज़ेदार। ग्रेवी जो है काफ़ी ठीक हो रही है धीरे धीरे, और इसकी ग्रेवी जैसे देखो ना, ये कलर देखो और आप बटर चिकन का कलर देख सकते हो, दोनों के कलर में बहुत फर्क है। दिस इज लाइक अ ऑरेंज रेड, एंड दिस इज लाइक अ येलो एंड गोल्डन, है ना, बहुत कूल। इसका टेस्ट एकदम अलग होगा इससे बटर चिकन से ना, ये कैसा होता है, ये स्पाइसी होता है, कैसा होता है ये वाला? स्पाइसी होता है। लीजिए सर, गार्निश भी हो गया, गैस हो गई है बंद, अब बारी है इसको सर्व करने की। तो ये देखिए जनाब, गोल्डन चिकन हमारा रेडी हो चुका है, और देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, आई होप कि खाने में उतना ही बढ़िया हो, मज़ेदार हो। कई लोगों को बटर चिकन ना मीठा लगता है,
तो ये डिश आई थिंक उनके लिए है, ये डिश आई थिंक उनके लिए है जिनको स्पाइसी वाला चाहिए होता है। एंड दिस इज कॉल्ड गोल्डन चिकन, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ईस्ट दिल्ली में यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है, देखने में तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको खाएंगे बढ़िया से बटर नान या गार्लिक नान या फिर लच्छा पराठा के साथ। चलिए नेक्स्ट आइटम बनवाते हैं अपना कीमा मीट, जो कि वो भी यहाँ का बहुत हॉट सेलिंग वो क्या डिश है। ये खोलती हुई ग्रेवी देख रहे हैं क्या है, ये मटन करी है और आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर की मटन पक रहा है और ऐसे ही स्लो आँच पर ये पकता रहता है। कितना टाइम लगता है इसको पकने में भाई साहब? लुक एट दिस, मटन का कोई दीवाना है यहाँ पर इस दिल्ली में तो बताओ। लुक एट दिस, सीरियसली प्योर देसी घी में बनता है जैसे कि ये बोल रहे हैं भाई। उबलता हुआ मनवीत खाएगा? खाता नहीं। आगर आगर मनवीत तो खाता ही नहीं हो भाई, ये तो भूल ही गया था मैं। तो चलिए अपना कीमा मीट बनवाते हैं और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करके बताएंगे वो कैसा इसका टेस्ट। ये देखो ये मेरा कीमा मीट बन रहा, तो मैं उसी में से पीस दिलवा रहा हूँ। चाप और नली डाल देना बढ़िया से, जौन सा पीस बोलोगे वो पीस मिल जाएगा। यहाँ पर आगे सर एक बार टेस्ट करके देखो। अब ये देखते हैं कि कैसे बनता है कीमा मीट। बस एक एक प्लेट में कितने आते हैं भला? क्या फुल में? फुल में चार पीस आते हैं, क्या बात। चलिए तो अब ये पक रहा है हमारा कीमा मीट, उसके बाद हम टेस्टिंग करने वाले हैं। इनके पास अगर आप जिम जाते हो, अगर आप डाइट कॉन्शियस हो या जिम जाते हो, तो डाइट फूड भी है इनके पास, डाइट चिकन, वो भी अभी अवेलेबल है। 50-60 लड़के आते हैं, वही सारे जिम वाले, क्या बात है। अब वो मैं तो खा नहीं सकता, बट मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, एक आइटम ज़रूर दिखाऊंगा टेस्टिंग के टाइम पे। मेरे को अलाउ नहीं है ना जिम वाला फूड, ओनली शिखा कैन ईट है ना, पर वो इज़ वेज। ये भी बन चुका हमारा, सर्व करते हैं इसको और टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग की तैयारी करो। लो जी जनाब, हमारी डिश रेडी हो गई है, अब टेस्टिंग की तैयारी करते हैं। लच्छा पराठा और बटर नान, गार्लिक यार, लच्छा पराठा बटर नान कर दो। चलिए भाई टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। टेबल बढ़िया से लग चुका हमारा और नीचे गर्मी बहुत थी इसलिए मैं ऊपर आ गया, इनके पूरा एसी लगा हुआ रेस्टोरेंट। तो ये देखिए भाई, लुक एट दिस गोल्डन चिकन भाई, वाकई में देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना, खुशबू भी आ रही है। तो अब ग्रेवी देखो ना, ग्रेवी का कलर देखो, ग्रेवी का कलर कितना प्यारा है। दो लेग पीस है, दोनों लेग पीस ले लेता हूँ, साथ में लेता हूँ लच्छा पराठा, ठीक है। ये इनकी दाल मखनी है, इसी में से टेस्ट कर लेंगे। ये देखो भाई, लुक एट दिस, मज़ेदार। और ऐसा नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है, आप जोमेटो पे चेक कर लो बेशक। और ये इनका वो मैजिक चिकन टिक्का, पहले पूरी प्लेट सजा लो उसके बाद बताऊँगा आपको। फैमिली रेस्टोरेंट है, मेरे को तो लगा कि फैमिली रेस्टोरेंट नहीं है, बट ये फैमिली रेस्टोरेंट है। और फैमिली रेस्टोरेंट आप आराम से ऊपर आके बैठ सकते हो, किटी पार्टीज भी कर के लिए भी है ये जगह। ये इनका कीमा मीट जो कि ट्राई करेंगे हम। लुक एट दिस पीसेस देखो, कोई एकदम खोलता हुआ जो बन रहा था ना उसी में से पीसेस निकाले, देखो ये नली का पीस है। पहले टेस्ट करते और उसके बाद बताता हूँ आपको। पहले तो देख भाई, ये पहले हम इनका मैजिक चिकन टिक्का लेते हैं, सॉफ्ट बहुत है, काफ़ी क्रीम, देखो क्रीम ज़्यादा नहीं है। भाई साहब असली मैजिक ना उसी मसाले में था, पर वो मसाला क्या था ये नहीं पता। दो मिनट में अमेजिंग, मैं बेताब हूँ इसको ट्राई करने के लिए। गोल्डन चिकन मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो पूरी दिल्ली में कहीं मिलता ही नहीं है, सिर्फ यहीं मिलता है ऐसा इनका कहना है। Thank you.
फ्लेवर्स स्पाइसी है, मीठा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जिसको बटर चिकन मीठा लगता था उसको ट्राई करना चाहिए। चिकन की पीसेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश है। भाई खमीरी रोटी है वो, बोला तो गार्लिक नान था। भाई बोले नहीं जा रहा। ये देख भाई, उनका सलाद भी पूरा बढ़िया अच्छे से है। चटपटा मसालेदार गाड़ियाँ खड़ी रहती है भाई नीचे नीचे दिखा। कारोबारियों के लिए सही है ये दाल, ट्राई करते हैं। आज कुछ खा नहीं रहा, मम्मी खाएगा बाद में सारा, आप देख चुके पहले भी। खत्म कर दूंगा अमूल बटर डाला हुआ सबने। भाई मजा क्या अच्छा लगा सबको। भाई दाल मखनी बहुत बढ़िया फ्लेवर है, जैसे भैया ने बताया कि तंदूर पे पकती है इनकी 24 घंटे, धीमे तंदूर पे ये रात पूरी रात भर बनाते हैं। No doubt, food is really good. Quality of food, quality of chicken is amazing. Tuesday को भी ये खुलता है, मतलब 365 days open है। और अगर आप fish खाने के दीवाने हो ना, या फिर क्या कहते हैं grilled chicken वगैरह, वो सब भी रात every evening start हो जाता है, मतलब वो शाम को start होता है। और इनका स्पेशल लंच मेन्यू भी है जो कि 12 से 4 चलता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। थाली सिस्टम भी है, नॉन वेज थाली आई थिंक 300 रुपीज़ की है, वेज 250 की है। अब आ रही है इसकी, जिसके ऊपर मेरी नज़र थी बहुत टाइम से। ओए होए होए, मनमीत का फेवरेट ये देखो, खमीरी रोटी है भाई। टेस्ट करने के ले रहा हूँ, पूरा नहीं खाऊंगा क्योंकि मनमीत के लिए फिर बचेगा नहीं, सारा काम हो जाता है। मनमीत के लिए फिर बचेगा नहीं, फिर बोलेगा वो देखो पीस सॉफ्ट है। खाने के फ्लेवर्स वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो ना, दाल मखनी इज मस्ट ट्राई। भाई दाल मखनी ने दीवाना कर दिया मेरे उसका, और इसके गोल्डन चिकन में। एवरी सीजन आपको, सारे के सारे सीजन आपको यहाँ पे फिश भी मिलेगी, हर एक आइटम है खाने के लिए जो कि एक आइटम चाहिए होता है। चाइनीज भी है, चाइनीज है, मुगलाई है, इंडियन है, तंदूर है। क्या नाइट है, डाइट चिकन, डाइट फूड तो मैं बता ही चुका हूँ कि जिम वाला लौंडा नहीं आया आज, बट जिम वाले लौंडों के लिए बहुत खाना है यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आके खाना खा के जरूर बताना कि हमारे को कैसा लगा, आपको कैसा लगा। उस दोस्त को टैग करो जो इस जगह पर रहता है। थैंक यू।